जहरीले हाथी की रोटियां खाने से एक ही परिवार के 10 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 7 लोग जिला अस्पताल में भर्ती। आटा चक्की से पिसा कर लाए थे आटा। शिवपुर तहसील के रातौर गांव में जहरीले आटे की रोटियां खाने से एक ही परिवार के करीब के लोगों को तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, परिवार ने पास में ही आटा चक्की पर गेहूं पिसाने के बाद घर आए आटे की रोटियां खाई थी, जिससे परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि आटा चक्की संचालक ने गेहूँ पीसने से पहले उसने एक किसान के मवेशियों के लिए लाए गए गेहूँ को चक्की में पिसाया था। उन्हीं गेहूँ में सल्फास की गोलियां मिलाई हुई थी। इसके चलते बच्चों, महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। परिवार के 7 सदस्यों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। काय से हुई उल्टी? खाना से। कैसा खाना? पूरी बात बताओ। नहीं, पूरी बता रहे हैं। बेचारी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब खट्टा पिसा कर लाए ते कोई नहीं, आटा पिसा वो हमें ही बगने रोटी उसनी आटा उसने हमने खाना खाओ तो हमने खा सी। हमने भोरे भी आई सी, हमने मना कर दी, हमने बंद करवा लो। मैंने खाई हुई नहीं। कितने लोगों ने खाना खाया था जी? खा लिया मैंने 5-6 खाते। सब बीमार हुए? सब इधर ही मटाए हैं। सब हॉस्पिटल में? कहाँ से आयो? रात और से। हाँ। तो जो आटा जो पिसवाया था, कौन सी चक्की पे पिसवाया था आपने? ये तो रोड था ने भैया, मैंने पता नहीं, हमने पूछी। आपके घर से कितनी दूर है वो चक्की? तो आटा पिसवा के लाए थे आप? तो वो आटे की रोटी खा के सब बीमार हो गए? हाँ, आटे की रोटी खा के थोड़ी मोड़ी है, वो भी कैसे कैसे हम खा रहे हैं, कब आ रहे हैं मोड़ी खा के। तो कितने लोगों ने रोटी खाई थी? वो आते हैं 6-7 तक तो आते हैं। कौन कौन थे? तो परिवार में ही थे। हाँ, मैं ये कई घर में ऐसी। नाम बताओ सबन का। ये तो कही हमें बर्थडे है, हम ना क्या से बताए। हमें जीवट सुना भाई साहब है। अच्छा, भी खाए? हाँ, खाई रोटी भी खाए हमने, खिलाए। आपने भी खाई रोटी? हाँ हाँ, जो माता जी ने भी खाई। हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमकू। कौन सा समाज हो? दाकड़। उम्र कितनी है? पता नहीं भाई। 50 साल? नहीं। कब की बात है ये? अरे, अब आ रहा है भाई, 9-10 बजे, 10-11 बजे की बात है। अच्छा।